फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक और इंटर का, उन सभी स्टूडेंट का जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोगों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसमें अगर किसी प्रकार की भी स्टूडेंट का अगर त्रुटि है तो उसमें 14 जुलाई तक आप लोग को त्रुटि को सुधार करने का आप लोग को मौका दिया गया था। पहले आप लोग को 7 जुलाई तक सुधार करने का मौका दिया गया था, लेकिन फिर से आप लोग को 7 दिन डेट को बढ़ोतरी किया गया है, जिसके तहत से सभी स्टूडेंट फायदा है कि जो भी स्टूडेंट का अगर त्रुटि है उस त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी गया है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 गलती से बचने के लिए, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि गलती से बचने के लिए बढ़ाई गई तिथि, यानी सभी स्टूडेंट के लिए बढ़ा दिया गया, तिथि को बढ़ा दिया गया। बिहार बोर्ड लगातार कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट को अगर गलती है तो उस गलती को सुधार कर ले। बताया गया कि 14 तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में होगा सुधार, इसके बाद देख सकते हैं बताया गया इसके बाद रही गलती तो छात्र एवं छात्र अभिभावक हो में जिम्मेदारी, यानी सभी स्टूडेंट को ये लास्ट मौका दिया गया है। अगर त्रुटि को सुधार नहीं करते हैं तो उनको बोर्ड के द्वारा आप लोग को ये बता दिया गया है कि आप बोर्ड इस पर आप लोग को फैसला नहीं लेगा, क्योंकि अगर त्रुटि में है बार बार आप लोग को डेट बढ़ोतरी किया जा रहा है कि आप लोग सुधार कर ले, अगर उसके बावजूद भी नहीं करते हैं तो उसका जिम्मेदारी खुद होंगे, खुद अपने अभिभावक को यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं बताया गया है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि का सुधार को तिथि बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की गलती न रहे इसके लिए बोर्ड ने छात्रों के हित में विस्तार में फैसला लिया है, यानी बिहार बोर्ड अपनी तरफ से कोई भी आप लोग को कसर नहीं छोड़ेगा, जिससे आप लोग को बिहार बोर्ड को यह कहना पड़े कि मेरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि रह गई है, ये आप लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलतियों को सुधार कर सकते हैं। पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को हुई त्रुटि ऑनलाइन सुधार 7 जुलाई तक निर्धारित किया गया था, और अब रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप लोग को 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप लोग को सुधार करने का मौका दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट अगर ये देख चुके हैं कि आप लोग डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, उन सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से एक बार आप लोग डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप लोग अच्छे ढंग से मिला लीजिए कि किसी प्रकार का तो त्रुटि तो नहीं है। टेंथ और ट्वेल्थ दोनों स्टूडेंट के लिए अगर आप लोग ये मिलान कर लेते हैं तो आप लोगों को आगे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोग आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर देख सकते हैं बताया भी गया है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड टेंथ वाले स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर आप देख सकते हैं, वही ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर आप जाकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मैं वेबसाइट पर बता दिया हूं, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूं, जो वीडियो अगर नहीं देखें तो वीडियो को देख लीजिए, और सभी स्टूडेंट एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी आप लोग एक बार जरूर देखें। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को जो बताया गया है उसमें डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो त्रुटि रह जाती है उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि नाम के स्पेलिंग में तो त्रुटि नहीं है, जन्म तिथि में, धर्म जाति में, लिंग में, फोटो में और विषय में, और त्रुटि होने पर उसके संशोधित सुधार अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाकर सभी प्रधान विद्यालय के अलियोग को त्रुटि 14 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकता है। यानी आप लोग को जो जुलाई की 14 जुलाई तक ऑनलाइन प्रोसेस आपको स्कूल से ही अगर त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि को आप लोग को सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर त्रुटि रह जाती है तो आप लोग को बोर्ड में जाना पड़ेगा और बोर्ड का चक्कर करना पड़ेगा, जहाँ से आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हैं पिछले साल यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि पिछले साल बहुत सारे बच्चे गलती को सुधार नहीं किए थे, जिनके वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि पिछले साल रजिस्ट्रेशन में त्रुटि के लिए कई मौका जाने के बावजूद भी छात्रों एवं छात्रा अभिभावक प्रधानाध्यापक द्वारा सुधार नहीं किया गया, इससे एडमिट कार्ड में त्रुटि रह गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बार भी अनिवार्य रूप से सुधार कर लो, इसके त्रुटि रहती है तो जिम्मेदारी छात्र और छात्रावास उनका अभिभावक प्रधान खुद होगा। यानी आप लोग को यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो भी स्टूडेंट का अगर गलती में त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि को अगर आप लोग सुधार नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आप लोग को बोर्ड द्वारा कोई भी आप लोग को फैसला नहीं लिया जाएगा, बोर्ड इसका जिम्मेदारी नहीं होगा, खुद इसका जिम्मेदारी आप होंगे। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट अब तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर देख चुके हैं तो उन सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट अंतिम रिक्वेस्ट है कि जाकर आप लोग फिर से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अच्छे ढंग से मिला लीजिए, किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप लोग 14 जुलाई तक सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप लोग ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है सभी स्टूडेंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से पिछले साल इस चैनल से अधिक बच्चे अच्छे परसेंटेज लाकर पास किए थे। तो जो भी स्टूडेंट अगर बिहार बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं 99% आप लोग को
तो इस पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट 80+ स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे ढंग से लाकर मार्क्स लाते हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।